अभी हम लोग भजन सुन रहे थे। सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। किसका सुमिरन है? एक गोता खाना क्या है? सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, याद करना, भजन करना। किसका? और गोता खाना कहाँ है? कहाँ आदमी गोता खा रहा है? और सुमिरन करेंगे तो गोता खाने से हम कैसे बचेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। दुनिया में सैकड़ों मत पंथ संप्रदाय है, सैकड़ों, और हर मत संप्रदाय वाला अपने मत संप्रदाय को दूसरे मत संप्रदाय की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया मानता है, और यह मानता है कि स्वर्ग मोक्ष भगवान यदि मिलेगा तो हमारे मत से, हमारे संप्रदाय से ही मिलेगा। इसमें दो हैं। ऐसा मानने से अपने मत पंथ संप्रदाय के लिए आस्था दृढ़ होती है, निष्ठा बनती है, श्रद्धा मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ अहंकार हो जाता है कि हमारा मत संप्रदाय दूसरे वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, और जब अहंकार आता है तो गड़बड़ी हो जाती है। और अहंकारी आदमी सुमिरन नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी दान कर सकता है, लोगों को वो भोजन करवा सकता है, भूखों को कपड़ा दे, भूखों को भोजन करवा सकता है, नंगों को कपड़ा दे सकता है, हॉस्पिटल बनवा देगा, विद्यालय बना देगा, तमाम काम कर देगा। लेकिन अहंकारी आदमी सुमिरन नहीं कर सकता। सुमिरन का अर्थ ही है अहंकार का त्याग। बिना अहंकार का त्याग हुए, बिना विनम्र हुए, अंदर से सरल हुए, सुमिरन का काम, भजन का काम नहीं हो सकता है। तो दुनिया में सैकड़ों मत पंथ संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय का अपना अपना एक नाम है। कोई किसी नाम को जपता है, कोई किसी नाम का सिमरन करता है, किसी नाम का सिमरन करता है, किसी नाम का सिमरन करता है। तो ये अपनी एक मान्यता है। सभी लोग एक ही नाम का सिमरन करें, सभी गुरु एक ही प्रकार के गुरु मंत्र दे या नाम दान दे, ऐसा नहीं होगा। जो जो संत, जो गुरु जिस मत संप्रदाय में है उसके अनुसार से वो मंत्र अपने शिष्यों को मंत्र देता है, नाम दान देता है, या बताता है बेटा ये नाम को सिमरन करो। तो ये हमारा एक विश्वास है, हमारी भावना है। तो जिसके गुरु ने जिसको जैसा बता दिया उसके लिए वो बड़ा मंत्र हो गया, वो बड़ा नाम हो गया। लेकिन हमें अंदर से ये समझना होगा कि जितने भी दुनिया में नाम चलते हैं अनेक संप्रदायों में, उनमें से कोई नाम छोटा भी नहीं है, कोई नाम बड़ा भी नहीं है। नाम केवल नाम है। उसमें छोटा बड़ा कुछ की कोई बात है नहीं। जिस नाम के लिए जिस आदमी के मन में श्रद्धा है, भावना है, उस नाम का जो सिमरन करता है, उस नाम का जप करता है, तो मन में सात्विक भावना आती है, मन
एकाग्र होता है और संस्कार हमारे अच्छे बनते हैं। इतना फायदा है। लेकिन कोई ये समझ लेता है कि इस मंत्र के या इस नाम के स्मरण करने से, जप करने से सारे पाप नष्ट होकर के कल्याण की प्राप्ति है, तो भ्रम में, धोखा में जी रहा है। पाप काटने के लिए और बहुत कुछ करने का, वो तो शुरुआत है। पाप करते कैसे हैं? जब हम किसी नाम का जप करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, तो हमारा मन बाहर भटकना छोड़ देता है, उसी नाम में रुक जाता है। जब नाम रुक गया तो संस्कार अच्छे बन गए, तो उतने समय के लिए हमारा पाप कट गया। अब जैसे वो नाम जब बंद हुआ, फिर राग रंग में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अब पता नहीं कहाँ कहाँ फिर पाप शुरू हो गया, तो पाप कटा कहाँ? फिर बराबर उसी चिंतन में लगा रहेगा, गलत गलत चिंतन, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए वह विरोध मन में ना आए, सबके लिए कल्याण कामना होने लग जाए, तो समझना चाहिए अब पाप कट रहा है। अब यही स्मरण करना है हर समय, मन में अच्छे विचार लाना, अच्छा चिंतन करना, अपने आत्म का चिंतन करना, ज्ञान का, विवेक का, भक्ति का, धर्म का चिंतन करना, ये स्मरण करना है। अच्छे विचारों में मन को लगा करके रखना, ये स्मरण करना है। ये नहीं कि राम राम कहते रहे या ओम ओम कहते रहे या सतनाम कहते रहे, वही स्मरण करना है। वो तो एक बच्चों को देते हैं ना खिलौना, वो खिलौना जैसा है, बच्चे को खिलौना देते तो उसको देखने शांत हो जाता है, रोना बंद हो गया, लेकिन उस खिलौने से बच्चे का पेट नहीं भरने वाला है, उसके लिए बच्चे को और चाहिए। ऐसे जो हम कोई नाम, हमारा मन बहुत चंचल है, उद्विग्न है, परेशान है, तो हम कोई नाम जपने लग गए, भी हमारे गुरु ने हमें नाम दिया है, तो थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा, कि आगे के लिए फिर वो चिंतित हो जाएगा मन। तो एक खिलौना जैसा है, उसका महत्व ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है महत्व, लेकिन थोड़े समय के लिए। सुमिरन करने कर से क्या है, जो हमारे मन में कुचिंतन हो रहा है, किसी बात को लेकर कुचिंतन है, उस कुचिंतन का त्याग हो करके अच्छे चिंतन में मन का लग जाना, भीतर जो आत्मा है, सब शरीर में आत्मा बैठा हुआ है, उस आत्मा के चिंतन में, उसको कबीर साहब ने राम भी कहा है, हरि भी कहा है, उसके चिंतन में लग गया, कोई गलत चिंतन मन में नहीं हो रहा है, तो समझना अब हमारा स्मरण हो रहा है। इस स्मरण को लोग समझते नहीं है, खाली कोई नाम जपते भी जा रहे हैं और साथ साथ अपने इधर उधर की बात भी करते जा रहे हैं। बहुत लोग राम राम जप भी रहे हैं, कोई ओम नाम जप रहे हैं, कोई सतनाम जप रहे हैं, कोई सत्येक भी कर रहे हैं, और बात बात में झूठ भी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, तंबाकू राम राम भी जपते जा रहे हैं, तंबाकू मलकर मुख में दबाते भी जा रहे हैं, कहाँ सिमरन हो रहा है? ये तो सुमिरन के नाम पर भटक जाना हो गया, क्योंकि कह दिया गया अभी तुम राम राम जपना या अमुक नाम जपना, तुम्हारे पाप कट जाएगा, तो वो भी जप रहे हैं और झूठ बोलकर पाप भी करते चले जा रहे हैं, गाली देकर पाप भी करते चले जा रहे हैं, तो ये तो सुमिरन नहीं हुआ, सुमिरन के नाम पर तो धोखा हो गया। भले हम राम राम ना कहें या कोई नाम ना जपें, झूठ बोलना छोड़ दें, कटु करना छोड़ दें, गाली बकना छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दें, निंदा चुगली करना छोड़ दें, तो सिमरन हो रहा है, ये असली सिमरन है, इसी से ही जीवन को उद्धार होगा, किसी नाम के जपने से उद्धार नहीं होगा।
मैंने कहा था कि ये नाम जो हम जपते हैं ये खिलौना है, और खिलौना से बच्चे खुश होते हैं, जवान खुश नहीं होते। कोई छोटा बच्चा है खिलौना दे दो खुश हो जाएगा, और किसी जवान आदमी दे दो खिलौना तो कहेंगे हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमको बच्चा समझते हो हैं। लेकिन आदमी धर्म के नाम पर जिंदगी भर बच्चा ही बना रहना चाहता है, आगे बढ़ना हो, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिस धर्म के नाम पर कोई नाम जपता है, कोई माला फेरता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कुछ करता है, ये सब शुरुआत है। अब वही वही रुके रह गए, आगे आत्मचिंतन का हुआ सही ज्ञान हुआ नहीं, सही बोध हुआ नहीं, जीवन क्यों मिला है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे बंधन कैसे बनते हैं, बंधन छूटेंगे कैसे, मैं कौन हूँ जिसके ये सब कर रहा हूँ, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, तो जहाँ था वहीं रुके रह गए, तो कोई आगे विकास तो नहीं हुआ। आगे विकास करने की बात है, और आगे विकास करने का अर्थ यह है, देखो बचपन में हर आदमी नादान होता है, ना समझ, उसमें बुद्धि का विकास नहीं होता है। लेकिन भले ही आदमी नादान हो, ना समझ हो, बुद्धि के विकास ना हुआ हो, फिर भी बच्चों का मन बहुत कुछ साफ रहता है, निश्चल, निष्कपट, ईमानदार होता है। थोड़ा बड़ा होते गए, समझ बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई, ठीक है समझ तो बड़ी, बुद्धि तो बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे जो भीतर की ईमानदारी है, सरलता है, निष्कपटता है, वो घटती चली जाती है। फिर आदमी झूठ बोलना शुरू कर देता है, या बहुत कुछ छलकपट करना शुरू कर देता है, और ज़्यादा बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए और पढ़ लिखने से बुद्धि बड़ी हो गई, तो और कपट बढ़ गया, छल बढ़ गया, दुराचिपा बढ़ गया, तो और हमने जीवन को बिगाड़ डाला। हम करते धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है ये समझने का काम नहीं करते। अंदर की जो स्थिति है उसको समझना होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ईमानदारी बढ़ना चाहिए था, मन और अधिक सरल होना चाहिए था, कोमल विनम्र होना चाहिए था, मन को साफ होना चाहिए था, लेकिन मन तो गंदा हो गया, कहाँ सुमिरन हो रहा है, सुमिरन को हमने समझा ही नहीं बाहर। इसलिए भीतर की ईमानदारी, और कम से कम अपने लिए ईमानदारी, दूसरों के लिए ईमानदार होना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है अपने लिए ईमानदार होना। और जो अपने लिए ईमानदार हो जाएगा ना, वो सबके लिए ईमानदार हो जाएगा। अपने लिए ईमानदार होने का अर्थ क्या है, आदमी अपने लिए ईमानदार थोड़े हैं, बिरले बिरले होगा, जिन्हें हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, त्यागी बैरागी कहते हैं, उनमें भी कोई बिरले बिरले होगा जो अपने लिए ईमानदार हुआ होगा। यदि हमारे मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या है, दूसरे के लिए निंदा है, दूसरे के लिए घृणा है, दूसरे के लिए विरोध है,
तो लगता है हम उसका नुकसान कर रहे हैं, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, नुकसान हम अपना कर रहे हैं। मैं इनसे ईर्ष्या करूं इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा तो बिगाड़ हो गया ना, अपने लिए ईमानदार कहाँ रहा। मैं चाहता हूँ सुख, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए ईर्ष्या करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ईर्ष्या करने से मेरा मन गंदा होता जाएगा और मैं दुखी हो जाऊँगा, अपने लिए ईमानदार कहाँ रहा। मैं किसी के लिए घृणा कर रहा हूँ तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, घृणा करके मैं अपने मन को खराब कर रहा हूँ, अपने संस्कार को खराब कर रहा हूँ, अपने पाप का बोझा बढ़ा रहा हूँ। मानता मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन घृणा करने का मतलब है अपने लिए बेईमानी का काम करना, अपने लिए ईमानदार नहीं रह गए। जो अपने लिए ईमानदार हो जाएगा ना, कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका मन के संस्कार खराब हो, मन में विकार बढ़े, गंदगी बढ़े, पाप का बोझा बढ़े। तो हमें, हम जो दूसरों के साथ करते हैं वो स्वतः करते हैं अपने लिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उस अपने लिए करते हैं, उसमें दूसरों के साथ भला हो जाता है, बात अलग है। हम सेवा करते हैं किसी की, दिखाई तो पड़ता है, कोई बीमार है हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लोग आए देखो भाई वो आदमी है, बीमार आदमी सेवा कर रहा है, टट्टी पेशाब सब सब कर रहा है, कितना आदमी सेवा कर रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है, उस सेवा करने से, सेवा करने वाले को फल तो जो मिल रहा है, जो सेवा कर रहा है ना उसके मन में प्रसन्नता हो रही है कि मैं एक सही काम कर रहा हूँ। फल जो बीमार आदमी को फल तो भले बाद में मिले, लेकिन सेवा करना तत्काल फल मिल रहा है, मन की प्रसन्नता, मन का संतोष। किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए हो रहा है। दिखाई पड़ता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो हम जो कोई अच्छा करते हैं तो, बुरा करते हैं तो, वो हम अपने लिए करते हैं। तो किसी के लिए ईर्ष्या करना या द्वेष करना या कुछ भी करना अपने लिए ही बेईमानी करना है। अपने लिए हम जो गलत काम कर रहे हैं ना, संस्कार बना रहे हैं, ये जो गलत संस्कार को मिटा देना कि मन में कोई गलत संस्कार ना बने, यह है सुमिरन करना। फिर किसी का नाम जपो या मत जपो, मंदिर जाओ या मत जाओ, वो तो बात की चीज है। मंदिर भी चले गए, पूजा भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, लोग देखेंगे अरे देखो इस आदमी को रोज एक घंटा भैया, एक घंटा दो घंटा पूजा करता है, कितने प्रेम से आरती गाता है। तो वो तो बाहर बाहर से पूजा कर रहा है और आरती भी गा रहा है, मंत्र भी पढ़ रहा है, भीतर कह रहा है भगवान इतने से आपकी पूजा कर रहा हूँ, भगवान अमुक जो मेरा बैरी है भगवान उसकी खबर लेना भगवान, अंदर अंदर से वहाँ कर रहे हैं। अब बाहर से क्या हो रहा है, बाहर लोग कहेंगे पूजा कर रहा है, भीतर से अपने मन को बिगाड़ रहे हैं, कहाँ सुमरन हो रहा है। यदि ऐसा हुआ, हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अमन में होता है भगवान अमुक आदमी ने मेरे साथ साथ गलत व्यवहार किया है, भगवान उस आदमी के भलाई करना, भले उन्होंने मेरे साथ अपराध किया लेकिन भगवान उस आदमी को तकलीफ ना होने पाए, मुझे जो तकलीफ हो मुझे तकलीफ होना, तो समझना सुमिरन हो रहा है। अब ये सुमिरन कठिन सुमिरन है। फिर अपने दूसरे के लिए भलाई की बात सोचना और दूसरे की भलाई की बात सोचने का मतलब है अपनी भलाई करना, दूसरे की भलाई में ही हमारी भलाई छिपी हुई है। बात समझ में नहीं आती है, अपना नुकसान किए बिना हम दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते और अपना भला किए बिना हम दूसरे का भला भी नहीं कर सकते, मूल में हम हैं।
तो ये कहा गया कि सुमिरन बिना गोता खाएगा। वो सुमिरन क्या है? वो आत्मचिंतन, सच्चिंतन, ज्ञान का, भक्ति का चिंतन। सदैव अपने मन के जो विकार हैं, मन की जो गंदगी है, उस गंदगी को निकालने का काम करते रहना बराबर, ये सुमिरन करना है। और इसी सुमिरन करने से हमारी जिंदगी बदलेगी, इसी सुमिरन करने से हमारे पाप कटेंगे। अमुक नाम जपने से पाप नहीं कटने वाला, चाहे जो नाम हो जाए। नाम तो नाम है, लेकिन नाम की महिमा में इतना इतना बढ़ा दिया लोगों ने, इतना इतना बढ़ा दिया है कि हद हो गया। और उसी नाम के भरोसे लोग पाप भी कर रहे हैं और धोखा में पड़ गए। मैंने कहा था शुरू में कि जब हम कोई नाम जपते हैं तो हमारा मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है, चंचलता मिट जाती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, ये तो फायदा है। तो कोई भी नाम जपना गलत नहीं है, आदमी जितना जप सकता है तो जपना चाहिए, लेकिन उसका फल क्या होना चाहिए? मन की निर्मलता हर समय, हर समय, तब सिमरन होगा। अब उस मन जब निर्मल होगा तो उसका परिणाम बाहर दिखाई पड़ेगा, व्यवहार में, कर्म में, हमारे रहने में, खाने में, पीने में, बोलने में, बरतने में, देखने में, सुनने में, काम धाम करने में, सब में उसका असर दिखाई पड़ेगा। जिसका मन कोमल होगा, विनम्र होगा, जिसके मन में सात्विक भावना होगी, वो दूसरों के साथ कटु व्यवहार कैसे करेगा, क्रूर व्यवहार कैसे करेगा, दूसरों को धोखा कैसे देगा, किसी के साथ गलत व्यवहार करने का मतलब है हम बता रहे हैं कि मैं भीतर से गलत हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा एक टोटी दार बर्तन है, बर्तन में टोटी भी लगी हुई है। उस बर्तन में यदि दूध है तो टोटी से दूध निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, चाय है तो चाय निकलेगी। बर्तन में जो होगा टोटी से वही निकलेगा। यदि मैं किसी के साथ झूठ बोल रहा हूँ, किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, किसी के साथ कटु व्यवहार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मेरे भीतर कड़ुता भरी है, वो टोटी से निकल रही बाहर। मेरे मन की गंदगी निकल रही है बाहर। सिमरन कहाँ हो रहा है? और सिमरन करने का शब्द, मन सरल हो गया है, विनम्र हो गया, मन निर्मल हो गया है, तो व्यवहार भी कोमल होगा, कर्म भी सुंदर बनेंगे, लोगों का प्रेम का, समता का, एकता का व्यवहार होगा। हम जो भी कुछ भी करते हैं वो हमारे भीतर को जो होता है ना, वो बाहर निकलता है। सुमिरन का मतलब है भीतर का परिवर्तन, भीतर से मतलब मन का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, अंतःकरण का परिवर्तन। जब वो हो जाएगा तब हमारे कर्म और व्यवहार में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम सुमिरन को बाहर 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 एकदम स्थूल रूप में ले लिए हैं बिल्कुल। भटक गए लोगों ने महिमा बढ़ा दिया ना ज्यादा। अति महिमा बढ़ाने का अर्थ है लोगों को भटकाना। थोड़ी महिमा तो ठीक है, लेकिन अति महिमा में मूल बात छूट जाती है, ऊपर की जो बात है उसी हम महिमा को पकड़ लेते हैं। जो फल का जो सार है वो छूट गया, हमने छिलके को या पत्ते को पकड़ लिया। साहब कहते हैं सुमिरन बिन गोता खाओगे, आत्मचिंतन के बिना, ज्ञान विवेक विचार के जो चिंतन है उसके बिना, या अंदर का जो परिवर्तन है, संस्कारों का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, उसके बिना तुम गोता खाओगे। गोता कहाँ खा रहे हैं? अपने मन में ही। हमारा मन ही इतना गहरा सागर है कि उसका थाह पाना मुश्किल है। बाहर का जो सागर है
वो सागर की था तो हम लगा लेते हैं। दुनिया में जो जितने भी महासागर हैं कहा जाता है उनमें सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, 5 मील से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मन कितना गहरा है, मन कोई चीज़ नहीं है अपने आप में वैसे, लेकिन मन इतना गहरा है, इतना गहरा है मन, किसी के मन की थाह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरे के मन की बात तो छोड़ दो, अपने मन की थाह पाना मुश्किल है। अभी हमारा मन कुछ सोच रहा है, अभी मन कुछ और सोचने लग जाएगा, एकदम विरोधी बात सोचने लग जाएगा, कहाँ डूब रहा है आदमी, बाहर नहीं डूब रहा है आदमी, बाहर तो कम डूब रहा है, भीतर ज्यादा डूबा हुआ है। डूबने की बात आई तो भीतर की बात तो डूबने ही, लेकिन डूबने की बात आई तो कई लोग पानी में डूब करके मर जाते हैं। तो यही गुजराती लेखक डॉक्टर गुणवंत शाह ने लिखा है, हमारे गुजराती लोग पानी में डूब कर नहीं मरते, गुजराती लोग तो चीनी और तेल में डूब करके मरते हैं। तो आदमी बाहर नहीं डूबता है ज्यादा, भीतर डूबता है। भीतर डूबने का मतलब क्या है, कुचिंतन, कुविचार, गलत वासना, गलत कर्म, कैसे कैसे मन सोच रहा है, ठाह लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि आदमी को बड़ा अहंकार है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, बुद्धिमान हैं, पता नहीं आदमी क्या क्या मानता है। हर आदमी अपने को बहुत अच्छा मानता है, कौन अपने को बुरा मानता होगा, गलत मानता होगा, हर आदमी अपने को अच्छा मानता है। कसौटी क्या है अच्छा मानने के, हम बोलते हैं तो अच्छा थोड़े हो गए, इतने से पढ़ते हैं अच्छा थोड़े हो गए, कसौटी क्या है। गुरुदेव जी कहते थे कि तुम अकेले बैठ जाओ आधा घंटा के लिए, बस कोई ना हो, अपने अपने घर में हो, कहीं कमरा बंद कर लो, अकेले बैठ जाओ, एक कागज और पेन ले लो और आधे घंटे में तुम्हारे मन में जो जो विचार आ जाए, जो जो ख्याल हो जाए, जिसकी भी याद हो जाए, उस सबको ईमानदारी पूर्वक लिख लो आधे घंटे में, ज़्यादा समय नहीं, आधे घंटे कितना समय, आधे घंटे तो ऐसे बीत जाएगा। तो आधे घंटे में जो भी विचार आ जाए, अच्छे बुरे जो भी विचार आ जाए, ईमानदारी पूर्वक लिख लो, उस कागज दूसरे दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, मानते बहुत बड़े हम त्यागी बार आ गए हैं, कैसे कैसे विचार आ जाएगा ना, वही वही है डूबना। यदि हम भीतर से बिल्कुल ही ठीक हैं और जो विचार हमारे मन में आया हमने लिख लिया, तो किसी को हम बड़े प्रेम से हम दिखा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी हिम्मत होगी, कोई होगा बिरले बिरले, नहीं तो आधे घंटे में जो जो विचार आता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर के खुराफात किसके लिए क्या क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है, वही तो डूब रहा, कहाँ डूब रहा है आदमी। देखो ये मोबाइल है, इसमें फोटो लिया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, किसका वीडियो बन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो बढ़िया से बढ़िया जो कैमरा होगा उसकी रिकॉर्डिंग बढ़िया हो जाएगी, उसकी फोटोग्राफी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई कैमरा नहीं बना हुआ है जिस कैमरा से आदमी के मन के का फोटो लिया जा सके, आदमी क्या सोच रहा है उसको फोटो लिया जा सके। और यदि आदमी जो सोच रहा है ना, जो विचार आ रहा है आदमी के मन में,
उन सारे के सारे विचारों का यदि फोटो लिया जा सकेगा ना, तो कोई आदमी दिखाई पड़ेगा सिंह जैसा को आदमी दिखाएगा, सियार जैसा को आदमी दिखाएगा, कुत्ता जैसा दिखाई पड़ेगा, विचार ऐसे निकल जाएंगे गंदे गंदे, हैं आदमी लाख नहीं रह पाएंगे हम लोग। देखो यदि मेरे मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी विचार ऐसा, और किसी के पास कैमरा है जो उस कैमरा से मेरे मन के विचारों का फोटो लिया जा सके, किसको हर आदमी सोचे, तो यदि वो फोटो लिया जा सके और फोटो को धो करके सबके सामने रखा गया और जो फोटो आया हमारे विचार का, उस फोटो को देख करके हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, हम सिर ऊंचा हो गया, तो समझना अब मेरा गोता खाना बंद हो गया है। अब मेरे मन में जो भी विचार आया, वो विचार के जब फोटो लिया गया, अब फोटो धुल कर आया ना, और सब विचार रखा गया, फोटो देख कर मेरा चेहरा धुक गया, तो समझना अभी मैं बहुत गहराई में डूबा हुआ हूँ, बहुत 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 गहरे में गोता खा रहा हूँ। ये गोता समझना बड़ा मुश्किल है, और यही साधना का, भजन का, भक्ति का काम है। भक्ति और कुछ नहीं है, लेकिन हमने भक्ति मान लिया बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, महादेव का फोटो है, नहाए दो थे अगरबत्ती ला लिए, एक बार घुमा दिए फटाफट, और उसे में देख भी रहे हैं, अरे लड़का उचित बिगाड़ रहा है, आरती भी घुमा रहे हैं, कहाँ भक्ति हो रही है। फिर ऐसे इधर दुकान खोले, दुकान में तो प्राय दुकानदार लोग, हर दुकानदार लोग, किसी किसी छोड़ दो सब बात, लेकिन अधिकतम लोग गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो जरूर रखते हैं दुकानदार में, दुकान में, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी फ़ोटो रहेगा ना तो फिर माल बढ़िया बिकेगा। गणेश लक्ष्मी फ़ोटो रहता तो कोई किसी दुकान का दिवाला नहीं निकलता। रखे थे गणेश लक्ष्मी फ़ोटो, रोज़ पूजा कर रहे हैं, कहें व्यापार व्यापार तो बैठ गया उधर, है वो क्या करेगा गणेश और लक्ष्मी। लेकिन लेकिन होता क्या है, दुकानदार खोलेगा, गणेश और लक्ष्मी की आरती जलाएगा, ऐसे घर देगा, देखेगा कोई पीछे करके कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो पूजा ग्राहक कर रहे हो, गणेश लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, दो तरफा यही है गोता खाना। अरे भाई कम से कम तुम्हारा विश्वास है कि गणेश लक्ष्मी है, भगवान भगवती है, तो दो मिनट प्रेम से उसकी पूजा तो कर लो, लेकिन वहाँ भी दिखावा झटपट झटपट, वहाँ भी प्रेम नहीं है। और कहते हैं महाराज भक्ति भी कर रहे हैं, महाराज बहुत मन बहुत अशांत है। ये मन का अशांत होना गोता खाना है, चिंता में डूबे रहना ये गोता खाना है। क्यों? क्योंकि जो सही काम करना चाहिए था वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। अंदर जो गोता चल रहा है, मन का जो समुद्र है ना, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि बड़े बड़े समुद्र को तैरने वाले मन के समुद्र में जाकर के डूब जाते हैं। एक राजा ने बहुत दूर दूर तक के राजाओं को जीत लिया चढ़ाई कर करके, बलवान था, सेना उसके पास थी, औजार उसके पास थे, तो अनेक राजाओं को जीत लिया, बहुत बड़ा राज्य बना लिया, और अपने घोषित कर दिया सर्वाजीत, कि मैंने सबको जीत लिया। सर्वाजीत का मतलब होता है जिन्होंने सबको जीत लिया हो, और कह दिया कि आज से मुझे सभी लोग सर्वाजीत ही कहेंगे। सब लोग तो सर्वाजीत कहने लग गए, तो बहुत बहुत जीत लिया था, लेकिन उसकी माता कभी उसको सर्वाजीत नहीं कहती थी, उसको पुराना नाम लेकर ही पुकारती थी। राजा ने देखा कि सभी लोग तो मुझे सर्वाजीत कहते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी सर्वाजीत नहीं कहती, मेरा पुराना नाम लेकर पुकारती है। तो एक दिन अकेले में राजा ने अपनी माँ से कहा, माँ
सभी लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, लेकिन आप मुझे पुराने नाम से पुकारती हैं। क्या आपको मेरे सर्वजीत होने, इतने लोगों को मैंने जीत लिया, आपको खुशी नहीं होती है? तो कहा कि बेटा मैं माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो, अपने बेटे की जीत में किस माँ को खुशी नहीं होगी? तुमने बहुत राज्य दिया, मुझे खुशी तो है। तो कहा माँ तुमने मुझे सर्वजीत, तब मैंने जीत लिया सबको, सर्वजीत क्यों नहीं कहती? तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने बाहर लोगों जीता है, क्या तुमने अपने मन को जीता? जिस दिन तुम अपने इंद्रिय और मन को जीत लोगे ना, उसी दिन मैं तुम्हें सर्वजीत कहूँगी। बाहर शत्रु जीतना सरल है, ये भीतर शत्रु को जीतना, अपना मन, ये कठिन है। यही सिमरन करना है। और फिर जब यदि मन शत्रु मन पर जीतना क्या है, मन को संयमित कर लेना। अभी जो हमारा मन गलत रास्ते में जा रहा है, गलत बातों चिंतन कर रहा है, उसको रास्ता बदल देना, सही रास्ते में लगा लेना, सही चिंतन दे देना। मन में क्रोध है, उसको क्षमा में बदल दो, क्रोध हटा करके क्षमा तरफ ले आओ। मन में हिंसा है, उसको प्रेम में ले आओ। लोभ है, उसको दान में ले आओ। गुस्सा है, उसको भक्ति में ले आओ। ये रास्ता बदल देना, ये सिमरन करना है। और इसी से हमारा जो गोता खाना है, जो दुख पर दुख हम भोगते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। और कोई गोता खाना नहीं है। आदमी गोता खाने का अर्थ क्या है? हमेशा परेशान परेशान परेशान, एकदम दुखी उदास चिंतित आदमी। आप घात क्यों करता है? बढ़िया घर है, परिवार के लोग भी हैं, खाने पीने की चीज़ कमी नहीं है, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर भी बड़े बड़े लोग आप घात क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े अफसर लोग आप घात क्यों कर रहे हैं? अंदर गोता खा रहे हैं, मन में टेंशन है, डिप्रेशन है, चिंता है, यही तो गोता खाना है। क्यों बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर को सब चमका रहे हैं, लेकिन भीतर बिगड़ रहा है, वो चमकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिमरन करते ही नहीं है। उनके जीवन में रुपये का, पैसे का, जमीन का, जायदाद का, पद का, प्रतिष्ठा का, गद्दी का, महंती का महत्व है, लेकिन जिसके लिए जीवन है वो जीवन का महत्व नहीं है। ये रुपया पैसा जमीन जायदाद पद क्यों चाहिए? जीवन के लिए। और जीवन का महत्व समझा नहीं, सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो क्या होगा? जब सब कुछ हो जाएगा, जिसके लिए किया वो ठीक हुआ नहीं, तो आदमी तो आत्महत्या करेगा करेगा। यदि वो सिमरन करते, भजन करते, भक्ति करते, आत्मचिंतन का काम करते, मन को संवारने का काम करते रहते, तो आप घात तो नहीं करते। गरीब लोग आप घात कम करते हैं, पैसा वाले लोग आप ज़्यादा करते हैं। गणना करके देखो, सर्वेक्षण करके देख लो, जितने आत्महत्या करने वाले हैं ना, 90% तो पढ़े लिखे लोग और बड़े पैसा वाले हैं, गरीब लोग तो बहुत कम हैं। क्योंकि गरीबों के पास डूबने साधन थोड़ा है, कहाँ डूबेंगे बेचारे। और धनवान पास डूबने के साधन बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे पास अफसरों पास बहुत ज़्यादा साधन डूबने के लिए, क्योंकि चिंता कर सकता है। जो काम करना चाहिए, चीज़ों को महत्व दिया, मैंने कहा चीज़ों को महत्व दिया, न परिवार को महत्व दिया, न जीवन को महत्व दिया, न मन को महत्व दिया, तो चीज़ें तो बढ़ गई। अब बाहर देखता है वो तो लगता है कोई मेरा साथी नहीं, कोई मेरा साथ देने वाले नहीं है, अकेला अकेला पाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। ये आत्महत्या करना हमेशा मतलब चिंता में, तनाव में डूबे रहना, हमेशा भयभीत बने रहना, सब कुछ होते हुए मन का अशांत लगे, सुना सुना, खाली खाली, यही गोता खाना है। और गोता खाने कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन लोग समझते भी कहाँ हैं। इन बातों को सुना लोगों को तो कहते महाराज फुर्सत नहीं है। और वो लोग जो लोग ऐसे लोग हैं, पैसा वाले अफसर लोग, पूजा करेंगे जरूर, घर में मंदिर बनाकर बना रखेंगे, उनकी पूजा करने में कसौटी नहीं है,
कोई किसी भगवान की, कोई किसी भगवान की, कोई किसी भगवान पूजा कर रहे हैं, और अपना नहीं कर रहे पूजा, तो एक पुजारी भी रख लिए हैं, ये और धोखा। किसी को पुजारी रख करके पूजा करवाना तो और धोखा है, लोभ ज्यादा है ना। कहते हैं हमें भाई हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमने तो घर में मंदिर बना लिया है, अब हमारे पास इतना भागम व्यापार में ये में नौकरी बटा इतना समय नहीं है कि हम एक घंटा पूजा कर सकें, इसलिए हमने पुजारी रखा है, पुजारी पूजा करते रहेंगे और हमें उसको फल मिलता रहेगा। बड़ी अच्छी बात है, आपके पास एक घंटा बैठे पूजा करने की फुर्सत नहीं है ना, एक घंटा पूजा करोगे तो व्यापार बढ़िया हो जाएगा। ये जो ऐसा करो जैसे जैसे मंदिर में एक पुजारी रख लिए पूजा करने के लिए, वैसे पुजारी रख लो खाना खाने के लिए, आधा घंटा काम आधा घंटा खाना खाने बर्बाद करोगे ना, उस आधा घंटा में बहुत और पैसा कमा लो, 1,000-2,000 एक पुजारी रख लो, वो तुम्हारे लिए खाता रहेगा और तुम्हारा पेट भरता रहेगा है। तो यदि पुजारी के खाना खाने से हमारा पेट नहीं भर सकता, ऐसे पुजारी की पूजा करने से हमें पुण्य नहीं मिलने वाला है। लेकिन पैसा लोगों का दिमाग खराब रहता है, उनका पैसा समझते पैसा मान लो हमारा सब कुछ है, धोखा किसको दे रहे हो, ये यही तो गोता खाना है, आदमी और भटक गया है। तो ये क्यों अशांत है मन हमेशा, सब कुछ है। लोग कहते हैं महाराज भगवान की दया, ऊपर वाली की दया से आते, संतों की कृपा से महाराज कोई बात की कमी नहीं, महाराज कई मकान हैं, कई दुकान हैं, परिवार में सब बाल बच्चे भी बंद योग्य है महाराज, कोई बात की कमी नहीं है महाराज, लेकिन महाराज खाली मन में शांति नहीं है, तब है क्या कुछ मन में शांति नहीं है तो क्या का? तो क्या है, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। वो कहते हैं एक बूढ़ी माँ कहीं से आ रही थी, उधर से एक इधर से एक बूढ़ी माँ जा रही थी, दोनों मिल गए। तो इन्हें पूछा बने कहाँ गए थे, कहा कि अमुक के बेटे फलाने के अमुक के बेटे को सांप ने काट दिया था। अच्छा, तो सांप काट दिए थे तो जहर चढ़ गया तो मर गया है, लेकिन बहने वो मर भरे गए हैं लेकिन दोनों आँख खुली हुई है, ऐसा लगता है दोनों आँख खुली हुई है, अभी टुकुर टुकुर देख रहा है, अभी उठ के खड़े हो जाकर कहते कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, अब क्या तो बच गए तो भाई जब प्राणी निकलोगे तो आँख बैठने से क्या फायदा है। तो सब कुछ तो है महाराज, शांति भर नहीं है। कोई कहे देखो इस आदमी है ना, इस आदमी की आँख बढ़िया है, कान बढ़िया है, नाक बढ़िया है, दांत बढ़िया है, मुख बढ़िया है, हाथ बढ़िया है, पैर बढ़िया है, पेट बढ़िया बढ़िया है, खाली इस आदमी का हार्ट ही खराब है, हैं? तो भी क्या बढ़िया है भाई, कुछ बढ़िया नहीं है। ऐसे महाराज धन है, जमीन है, जायदाद है, खेत है, खलिहान है, ये है, खाली महाराज महाराज मन 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 अशांत है, तो मतलब आपको कुछ नहीं तुम्हारे पास। ये मन का शांत रहना यही गोता खाना है, ये गोता खाना है। ये दूर कैसे होगा, सिमरन करने से। लेकिन सिमरन करना मैंने कहा था खाली कोई नाम जपना, पूजा करना, आरती करना, ये सिमरन करना, ये तो बाहरी रूप, ये शुरुआत है, इसकी भी जरूरत है, जरूरत नहीं ऐसा नहीं कहता, जरूरत है, लेकिन इतने में रुक गए तो फिर आगे काम नहीं होगा। सिमरन करने का अर्थ है अपने मन की सफाई करना, जो गलत चिंतन मन में हो रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या, इनको दूर करके मन को निरंतर मानते रहना, मानते रहना, मानते रहना, और अच्छे विचार में सदैव आत्मचिंतन में मन को लगा कर रखना, ज्ञान भक्ति चिंतन लगा कर मन का रखना, ये सुमिरन करना है। और इसी सुमिरन करने से ये गोता खाना बंद हो जाएगा, ये हम भव सागर को पार हो लेंगे। तो कबीर साहब को भजन हमारे साहब ने गाया, सिमरन बिन गोता खाओगे, हरि नाम बिना पछताओगे। इस पर मैंने थोड़ा से कहा कि यदि आदमी सब कुछ तो किया लेकिन आत्मचिंतन का काम नहीं किया,
आत्मशोधन का काम नहीं किया, मन को शांत करने का काम नहीं किया, तो अंत समय मुझे पछताना पड़ेगा, मौत तो आएगी, सबके जीवन में मौत आएगी, आई है। मौत जब आ जाए, कभी भी मौत आ जाए, और मौत आकर कहे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, लेने के लिए मैं आई हूँ, तो हमें लगे ठीक है, जितना जीवन मैंने जिया, अच्छा जीवन जिया, जो करना था कर लिया, तो समझना कोई पश्चाताप नहीं रह गया, तो समझना चाहिए हमने जीवन को तय जिया है, हमारा जीवन लाभ में व्यतीत हुआ। बस उस सुमिरन का सुमिरन का फल उसमें मिलेगा। सुमिरन करने का मतलब क्या है, सामने मौत खड़ी भी हो तो मन में कोई भय नहीं है, तो समझना हमारा सुमिरन हुआ है, और यदि भय हो गया तो सुमिरन वमरन कुछ नहीं हुआ है। इस बात को समझना है, और समझ करके हमें रोज आत्मचिंतन का काम करते हुए भवसागर से पार होना है।